हाय पेरेंट्स, वेलकम बैक टू मैकम मदरहुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन के बारे में कि आयरन बच्चों की बॉडी को क्यों चाहिए, हमारी बॉडी को क्यों चाहिए और ये किस तरीके से काम करता है। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आयरन रिच फूड्स जो आप बच्चे की डेली डाइट में यूज़ कर सकते हो ताकि उसमें आयरन की कमी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी को या बच्चे की बॉडी को आयरन क्यों चाहिए होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स से बनी होती है। इन सेल्स को सर्वाइव करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ग्लूकोज एंड सेकेंड ऑक्सीजन। ये दोनों ही चीज़ें इन सेल्स को कौन डिलीवर करता है, ये करता है हमारा ब्लड। हीमोग्लोबिन इनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज डिलीवर करता है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ये बनता है आयरन से। ये हो गया रिवर्स। अब हम इसको थोड़ा सीधा समझते हैं। जैसे ही हम आयरन लेते हैं ये हमारी बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी की सारी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुँचाता है। अगर सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर सेल्स की हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर बच्चे की सेल्स हेल्दी हैं तो बच्चा हेल्दी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आयरन डेली डाइट में यूज़ करना, डेली डाइट में मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ कितनी इफ़ेक्ट हो सकती है। सो आयरन बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसे बच्चे की डेली डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। अब बात करते हैं आयरन रिच फूड आइटम्स की। आप पोहा दे सकते हो बच्चे को नींबू डाल के, आप मसूर की दाल दे सकते हो रोटी के साथ बच्चे को, उसमें भी आप कुछ बूंदे नींबू की डाल सकते हो। आप बाजरे की रोटी दे सकते हो दही के साथ, या फिर आप रागी का उपमा दे सकते हो, उसमें आप टमेटो ऐड कर सकते हो। आप रोटी के साथ बच्चे को बथुए का रायता दे सकते हो या फिर पुदीने का रायता दे सकते हो। ये सब कॉम्बिनेशन मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हम वेजिटेरियन डाइट से आयरन लेते हैं वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब कम करती है। तो जब हम विटामिन सी लेते हैं साथ में तो ये बॉडी में जो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन है वो सही से हो जाता है। अब बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत अच्छा आयरन होता है। तो फूल गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, चौलाई के पत्ते और पालक, इनमें बहुत अच्छा आयरन होता है। आप बच्चे को इनके पराठे बना के दही के साथ खिला सकते हो, इनको पोहा, उपमा इन सब में ऐड करके दे सकते हो, दाल में ऐड करके दे सकते हो, या फिर इनकी भुर्जी बना के बच्चे को रोटी की या दही के साथ खिला सकते हो। आप ड्राई कोकोनट बच्चे को खाने में ऐड करके दे सकते हो, इसमें बहुत अच्छा आयरन होता है। ड्राई फ्रूट्स आप बच्चे को दे सकते हो, काजू, बादाम, अखरोट, तीनों में ही अच्छी मात्रा में आयरन होता है। आप काले तिल यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन होता है, लाइक 56.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसमें आयरन होता है। इतनी अच्छी क्वांटिटी मैंने पर्सनली किसी चीज़ में नहीं देखी। तो आप ये यूज़ कर सकते हो बच्चे के डाइट में। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो अगर आप बच्चे को एक साथ ये दे दोगे तो बच्चे को लूज़ मोशन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप थोड़े से स्टार्ट कर रहे हो एंड आप देखो पहले कि आपका बच्चा कितना क्या डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ये आप कैसे दे सकते हो, ये आप रोस्ट करके बच्चे के किसी भी खाने में ऐड कर सकते हो। आप दलिए में ऐड कर सकते हो, आप जो चावल बना रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो, या फिर पोहा बना रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो, आप फ्रूट्स दे रहे हो उसके साथ दे सकते हो, किसी भी तरीके से दे सकते हो। बस इनको रोस्ट करके खाने में मिलाना होता है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प पक्का मिली होगी। इफ़ यस देन हिट द लाइक बटन एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।